सो रिव्यू ऑफ साइकोसेक्शुअल थेरी आई एम गोइंग टू प्रजेंट दैट इज़ प्रजेंटेड बाय द सिगमेंट फ्राइड और सिगमेंट फ्राइड की जैसे स्टेजेस और उसके स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स जो थेरी के हैं उन सब का जो मकसद था वो यही था कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेयर जो है वो होना चाहिए और माइंड जो है उसके जो पार्ट्स हैं कॉन्शियसनेस है और सब कॉन्शियसनेस है और उसके बाद जो है अनकॉन्शियसनेस है ये उसने तीन हिस्से जो हैं वो माइंड के बताए बेसिकली तो उसने जो थेरी है उसके अंदर उसने प्लेयर का जो कॉन्सेप्ट है कि प्लेयर जो है वो होना चाहिए जो एक बायोलॉजिकल अर्जिज़ हैं उनको हर कीमत पे पूरा होना चाहिए उसके अंदर मज़हब और सोसाइटी को नहीं आना चाहिए तो इसके ऊपर जो है फ्राइड की इस इतने ज़्यादा एम्फिस जो उसने किया है प्लेयर के कॉन्सेप्ट को और सेक्शुअल जो प्लेयर है उसकी जब उसने बार बार बात की है तो काफ़ी ज़्यादा इस थेरी के ऊपर जो है फ्राइड को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और इस थेरी को क्रिटिसाइज़ किया गया काफ़ी लोगों की तरफ से कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो बायोलॉजिकल अर्जिज़ हैं हमसे उनको हर कीमत पे जो है वो पूरा करने की कोशिश करें और इसमें किसी मज़हब की बाउंड्री और किसी सोसाइटी की बाउंड्री जो है उसको हमें बिल्कुल जो है पेश नज़र नहीं रखना चाहिए इस वजह से इसकी इस थेरी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा और आ, लेकिन इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आ, उसने जो फ्राइड ने बताए फ्राइड का जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी थेरी में वो ये था कि जो चाइल्ड हुड हैं ये आपकी आगे वाली पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं ये उसकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है क्योंकि हमारे जो चाइल्ड हुड होते हैं वो हमारे स्टोर रूम में यानी सब कॉन्शियसनेस में जाके तो सेफ़ हो जाते हैं और अगर बच्चे का अच्छा चाइल्डहुड गुज़रा होता है तो उसकी आगे वाली जो ज़िंदगी है उसके अंदर भी जो है वो पॉजिटिविटी आती है अगर चाइल्डहुड उसका अच्छा नहीं गुजरा तो फिर आगे जाके ज़िंदगी में भी उसको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं तो ये उसका एक अच्छा उसने इसके ऊपर जो फोकस किया है जब हम रिव्यू करते हैं तो हमें उसकी ये एक अच्छी बात नज़र आती है दूसरे नंबर पर जो उसने कहा कि जो इड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट उसने बताया है तो हम बहुत ज़्यादा हंड्रेड परसेंटली जो है वो इड ईगो और सुपर ईगो जो है उसको बिल्कुल ही फ़्राइड की डेफिनेशन के मुताबिक जो है उसको फ़ोकस नहीं कर सकते क्योंकि बायोलॉजिकल इम्पल्स तो हर इंसान में होते हैं और उसका प्लेयर भी हर इंसान चाहता है और अपनी खाशात की जो है फुलफिलमेंट भी हर इंसान चाहता है लेकिन जब हम इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं करेंगे और जानवर भी अपने जो प्लेयर का कॉन्सेप्ट है वो हर कीमत पे जो है वो बग़ैर किसी मज़हब और सोसाइटी के अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेसन जो है वो कर लेते हैं तो फिर इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या रह जाएगा जब हम दोनों ही की प्लेयर के कॉन्सेप्ट को एक जैसा लेके चलेंगे कि जिस तरीके से चाहें जिससे भी मर्जी चाहें आपका जो प्लेयर है वो हासिल होना चाहिए तो इसलिए ये कुछ इस तरह के इसके पॉइंट्स हैं जिसमें फ्राइड की थेरी को जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा अब एक तो ये है कि इट लैक्स साइंटिफिक वैलिडिटी यानी साइंस कहाँ बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हुए साइंस जो है वो थोड़ी सी आ, कन्फर्म अपनी ओपिनियन देती है कि जी एक जो भी थेरी पेश की जाए उसको साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए तो बिहेवियर एक इंसान का ऐसा एक पार्ट है उसकी पर्सनैलिटी का जो कि एक स्टेटिक पार्ट नहीं है उसके अंदर तो तब्दीली आती है जैसे जैसे वो इनकाउंटर करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ अब किसी को तो ये नहीं पता कि मैं घर से बाहर निकलूँगा तो आज मेरे साथ पूरे दिन में क्या होने वाला है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए Uh, अगर इस पर यह क्रिटिसिज्म है कि उसकी जो साइंटिफ़िक उसकी कन्फॉर्मिटी है वो नहीं है तो बाजुकात बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हुए साइंटिफिकली हम उसको कन्फर्म किसी तरीके से नहीं कर सकते हम उसकी uh, कुछ बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं जन जनरल नीड्स हैं और स्पेसिफ़िकली इंसान जो बिहेव कर रहा होता है उसको एक्सप्लेन तो कर सकते हैं लेकिन हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलफ है उसका एक्शन का तरीक़ा भी मुख्तलफ है उसका बिहेवियर इसीलिए मुख्तफ है क्योंकि उसके चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसिस भी डिफरेंट होते हैं उसकी जो सब कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में कुछ उसकी मेमोरीज हैं वो भी उसकी डिफरेंट होंगी अब दो बहन भाई हैं तो हो सकता है कि बहन ने बड़ा अच्छा बचपन गुजारा और भाई जो है उसको बड़ा क्रिटिसिज्म और बड़ा रोक टोक के साथ पाला गया हो तो ये सारे एक्सपीरियंसिस हमारी पर्सनैलिटी को डिवेलप करने में हमारी हेल्प करते हैं फिर आ, आ, उसकी एक और जो थैरीपे क्रिटिसिज़म है कि वो कहते हैं जी इसने कोई बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली इसके ऊपर काम नहीं किया बल्कि चूँकि ये न्यूरोलॉजिस्ट था और ये इसके पास मेंटल इलनेस के पेशेंट्स आते थे तो इसने उन मेंटल इलनेस वाले कुछ पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व किया उनका इलाज किया और उधर से इसने ये थेरी बना ली कि उनकी बीमारी की रीज़न जो है उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स इसके पास आते थे तो इसने उसका ये अंदाज़ा लगाया कि उनकी रीज़न जो थी वो उनके उनके बैड चाइल्ड हुड थे जिनकी मेमोरीज उसके जाके सब कॉन्शियसनेस में जाके सेव हो गई उसकी वजह से उनकी आज जो है वो मेंटल इलनेस जो है वो स्टार्ट हुई तो इसके ऊपर एक ये क्रिटिसिज्म भी है कि बग़ैर किसी थेरी के बग़ैर किसी लंबी चौड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन के इसने सिर्फ कुछ पेशेंट्स के ऊपर काम करने के बाद जो है वो एक थेरी पेश कर दी फिर इस थेरी के मुताबिक पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ इन्फ्लुंस बाई चाइल्ड हुड ये मैं बात आपके साथ कर चुकी हूँ कि कुछ थेरीसिस्ट को नहीं मानते जी सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड हुड जो हैं उसकी वजह से पर्सनालिटी जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है या अच्छी हो जाती है वो कहते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जैसे पेरेंटिंग है आप पेरेंटिंग भी वैसे चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसिस में आ सकती है कि उसने बचपन में अपने पेरेंट्स को किस तरह देखा तो चाइल्ड हुड के अलावा जो थेरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी इसके अलावा कई और फैक्टर्स को भी एम्फेसाइज करना चाहिए था जबकि फ्राइड ने सिर्फ़ और सिर्फ चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसिस की बात की है इसी तरह से ये थेरी जो है ये हेल्दी पर्सनैलिटीज़ जो हैं जो कि अच्छे इन्वामेंट की वजह से भी बनती हैं और उसके बाद हेरिडिट्री uh, के भी कुछ फैक्टर्स उनमें आते हैं जीन्स में भी कुछ चीज़ें आती हैं जो अपने पेरेंट्स से वो लेते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल के अच्छी एजुकेशन अच्छा न्यूट्रिशन अच्छा जो है इन्वायरमेंट ये सारी की सारी चीज़ें मिल एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी जो है उसके लिए बड़ी ज़रूरी है सिर्फ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अगर उसके कोई सेव हो गए हैं बड़ी नेगेटिव मेमोरीज हैं तो हो सकता है उसकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो के मैंने जो बचपन इतना ख़राब गुजारा तो मैं अपने बच्चों को ये वाला बचपन ना दूँ मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि जिनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा उनके पेरेंट्स ने उसके साथ उस तरह से केयर नहीं की उनकी लेकिन वो कहते हैं कि हम वो पेरेंट्स नहीं बनेंगे हम अच्छे पेरेंट्स बनेंगे ताकि हम अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सकें और हमारे बच्चे उन मिजरीज का शिकार ना हो सकें जिन मिजरीज का शिकार हम रहे हैं तो ये दो चीज़ें जो हैं वो अपोजिट हैं और फ्राइड जो है उसने सिर्फ़ एक पार्ट की बात की और ओवर एम्फिसाइज़ किया उसने सेक्शुअल प्लेयर को तो इस वजह से भी बहुत सारे आ, लोगों ने जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया कि जो है सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन ही इंसान की वेल राउंडेड पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि और फैक्टर्स जैसे मैंने भी बताया कि उसमें पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें उसका पेयर ग्रुप है उसमें उसकी बेस्ट न्यूट्रिशन है उसमें उसका पीसफुल होम एन्वायारमेंट है उसमें उसकी बेटर एजुकेशन है उसके बाद उसका जो है वो गुड सोशल स्टेटस है ये सारी चीज़ें मिल जो है एक पर्सनैलिटी को हेल्दी बनाती हैं बजाय ये कि सिर्फ अगर फ्राइड ये कहे कि सेक्शुअल ग्रेटिफिकेसन जो है या प्लेयर जो है वो ही इंसान की फ्यूचर uh, की जो पर्सनैलिटी है उसको वो एक्सपोज करता है और अगर चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसिस अच्छे नहीं हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर जो बिहेवियर है वो डिसरपटिव हो जाता है या उसकी पर्सनैलिटी जो है वो सारी ज़िंदगी अपने आप को पीसफुल नहीं कर सकता या अनसेटिसफाइड रहता है हर चीज़ के साथ और मेंटल इननेस जो हैं इट दीज आल आर ड्यू टू द बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और फ्राइड uh, जो है इसके अलावा उसने ड्रीम uh, इंटरप्रटेशन के साथ भी अपने पेशेंट्स को जो है वो एक्सपोज करता था और वो ये कहता था कि जो उनकी यही चाइल्ड हुड जो सब में स्टोर हो गए हैं ये बाज़ा उनके ड्रीम में आते हैं और ड्रीम में आके जो है वो उनको डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से उनको हॉरर हॉरर हॉरेबल ड्रीम्स जो हैं वो आते हैं और ड्रीम से भी पता चलता है कि एक इंसान प्रेजेंटली क्या सोच रहा है तो ये उसकी चीज़ें जो सारी हैं ये बताती हैं कि उसने अपनी थेरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है और कौन सी चीज़ों को उसने एम्फेसाइज नहीं किया है तो दिस इज़ ऑल ओवर द रिव्यू ऑफ द थेरी